को संजू सैमसन बड़ा अच्छा कर रहा है, समटाइम अच्छा करते हुए भी वेट करना पड़ता है। संजू सैमसन अनफॉर्चुनेट था, हमको खिलाना था लेकिन कोई चीज की वजह से हम नहीं खिला पाए। भाई तारीफ और सिंपथी ना बहुत हो गई है, खेलने का मौका कब दोगे संजू को, बस ये बता दो अब। अबे प्लेयर बोलते ही क्यों संजू सैमसन को, जब तुमने वाटर बॉय, बॉल बॉय, ग्राउंड पे कवर चढ़ाने वाला बॉय, बेंच पे सीट गरम रखने वाला बॉय बना के रखना है उसको। इतने फालतू रोल्स प्ले करवा रहे हो सैमसन से, समझ नहीं आता अगला क्रिकेटर है या जॉनी सिंस जो कभी प्लम्बर बनता है कभी डॉक्टर बनता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो। जॉनी सिंस को तो अपने वीडियो में हैप्पी एंडिंग मिल जाती है, लेकिन सैमसन की इज्जत के तो लग जाएगा ना। मतलब हैप्पी एंडिंग छोड़ो, सैमसन भाई की करियर सैड एंडिंग ना हो जाए। जाग जाओ बीसीसीआई, अब मजाक नहीं हो रहा है। हाय मैं हूं दिनेश कार्तिक जिसको वर्ल्ड कप के बाद सब भूल चुके हैं, और ईशान किशन जिसको आईपीएल के बाद सब भूल ही जाते हैं। ओ सॉरी, मेरा मतलब हाय मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हो अनकट। एक सैमसन है जो बिना ईगो के ग्राउंड पे कवर भी चढ़ा रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ ये पंत है जो अपनी ईगो के चक्कर में हर्षा भोगले जैसे सीनियर और सीधे कमेंटेटर को भी उल्टे जवाब देके आता है। फॉर्म खराब है तब भी मेरा व्हाइट बॉल का भी रिकॉर्ड कोई खराब नहीं है भाई। जस्ट बिकॉज संजू सैमसन आपकी क्रीम 11 या माई 11 ट्रायंगल पे टीम बनाने को नहीं कहता है इसलिए तुम उसको भूल जाओगे। जस्ट बिकॉज संजू सैमसन जाके घड़ी घड़ी धोनी इज माई आइडल, एमएस धोनी इज माई गॉड नहीं बोलता है तो आप उसको भूल जाओगे। जस्ट बिकॉज संजू सैमसन विकेट के पीछे खड़े होके मुंह और मेरा चू चपड़ नहीं कर रहा होता है तो आप उसको भूल जाओगे। जस्ट बिकॉज संजू सैमसन की स्मार्ट वॉच में कॉलिंग फीचर नहीं है तो आप उसको भूल जाओगे। कभी कभी तो समझ नहीं आता बीसीसीआई है या गजनी के आमिर खान जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस करा के सब भूले बैठे हैं। लेकिन ये भूलने की बीमारी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ऋषभ पंत के केस में ये स्टैट्स भूल जाते हैं, चाहे कितनी ही गंदी परफॉर्मेंसेज हो सब भूल जाते हैं एकदम साफ। और संजू सैमसन के केस में एक आध कोई मैच खिला के ये लोग इस बंदे को ही भूल जाते हैं। संजू सैमसन है? अच्छा ये इस नाम का प्लेयर को एग्जिस्ट करता है क्या? अरे क्यों बीसीसीआई, याद है तुमको संजू सैमसन कौन है? मैं नहीं बताऊंगा। एशिया कप T20 से लेकर वर्ल्ड कप और वहां से न्यूजीलैंड, ऋषभ भाई ने जो T20s खेले हैं एक बार सुन लो कितने रन बनाए हैं। 14, 17, 20, 27, 3, 6, 6, 11। बताओ ऋषभ चचा, ऐसे स्टैट्स का कंपैरिजन करो या नहीं? जब मैं 30-32 का हो जाऊंगा तब करना। मतलब तब तक आपको टीम में रखें, आप गंदा खेलते रहो, फॉर्म में मत आओ और बाहर बैठे लोग अपनी बारी का इंतजार करते करते रिटायरमेंट लेके कमेंट्री करने घुस जाएं, लेकिन आपको कोई कुछ ना कहे। भाई इतनी इम्यूनिटी तो रोज 10 चम्मच च्यवनप्राश खा के भी नहीं मिलती है बंदे को जितनी इम्यूनिटी आपको बीसीसीआई ने दे रखी है। इतनी इम्यूनिटी तो फॉरेन डिप्लोमैट्स को नहीं मिलती है इस देश में जितनी टीम इंडिया ने आपको दे रखी है। इतनी इम्यूनिटी तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन का कॉकटेल बना के लगवाने से नहीं मिलती है जितनी कोच और कैप्टन ने आपको दे रखी है। भाई यार बस कोई ये बता दो, कौन से मंत्र पढ़े संजू भाई, कौन से टोने टोट के कराए संजू भाई, किस बंगाली बाबा के पास जाए संजू भाई कि टीम में उनका प्लेइंग 11 में सिलेक्शन होना शुरू हो जाए। अब क्या नसे काट ले अगला बंदा तब जाके मानोगे? शोले वाली टंकी पर चढ़ जाए, बिजली के खंबे पे झूल जाए, क्या करे ये आदमी कि इसको बीसीसीआई सीरियसली लेने लगे। ODIs में 66 का एवरेज, लगभग 105 का स्ट्राइक रेट, T20 इंटरनेशनल्स में 135 का स्ट्राइक रेट, ईशान किशन और ऋषभ पंत दोनों से ज्यादा, लेकिन बाहर कौन बैठता है? संजू सैमसन। हाँ लेकिन तारीफ सब कैप्टन्स करके चले जाते हैं संजू भाई की, कि चाहे हार्दिक हो, रोहित हो, शिखर हो, संजू भाई तारीफ का अचार तो डालेंगे नहीं, है ना? सोचो अप्रेजल आ रहे हैं, बॉस तुमको पूरे साल बोलता रहे कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हो तुम, फिर अप्रेजल के टाइम पे तुमको बोले ना सैलरी बढ़ा पाएंगे ना प्रमोशन दे पाएंगे, लेकिन तुम टीम प्लेयर बहुत अच्छे हो, उस वक्त तो यही निकलता है ना मुझे बॉस के लिए अच्छी मेरा। डियर बीसीसीआई, संजू सैमसन को अगर आप ऐसे ही इग्नोर करते रहोगे, लॉजिक और रीजनिंग की मदर सिस्टर यूनिफिकेशन यानी माँ बहन एक करते रहोगे, तो वो वक्त दूर नहीं जब लोग आपके नाम बीसीसीआई के बीच के दो बड़े सी आपके नाम के आगे लगा दे, और बीसी तो आपके नाम में पहले से ही लगा हुआ है। नीचे कमेंट्स में बताओ क्या ऋषभ पंत जो आजकल उल्टे जवाब देने में माहिर हो रखे हैं, इनको कुछ दिन आराम देकर सैमसन को ट्राई करना चाहिए या नहीं, या किसी और प्लेयर को एज विकेट कीपर बैट्समैन ट्राई करना चाहिए तो वो भी बताओ। अगर इस सब के बाद आप सब कहते हो कि ऋषभ पंत तो मैच विनर को ही टीम में रखना चाहिए तो वो भी बताओ। आपको कॉमेंट सेक्शन में संजू भाई के फैंस देख लेंगे। लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब टू अनकट ऑन फेसबुक, इंस्टा एंड यूट्यूब फॉर मोर सच कॉन्टेंट। मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हो अनकट।